डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा लाल कॉलेज कमालपुर छोटमलपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएलबी पाठ्यक्रम में पेपर फॉर सिक्स सेमेस्टर पेपर फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है नेशनलिटी अर्थात राष्ट्रीयता के ऊपर है। इसके अंतर्गत मैं राष्ट्रीयता तथा नागरिकता क्या होती है, राष्ट्रीयता के अर्जन का क्या ढंग होता है, जिसे मैंने आठ प्रकार से बताया, जन्म द्वारा, वंश क्रम द्वारा, देशीय क्रम द्वारा, पुनर्ग्रहण द्वारा, अधिनिकरण द्वारा, अध्यार्पण द्वारा, विकल्प द्वारा और पंजीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, पर अपने विचार रखूंगा। आज मैं सबसे पहले आपके सामने राष्ट्रीयता की परिभाषा के बारे में बात करूंगा। राष्ट्र के व्यक्तियों से अपने राज्यों के प्रति निष्ठा धारण करने की अपेक्षा की जाती है। जो व्यक्ति राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा रखा करते या स्थायी निष्ठा धारण करते हैं, उन्हें राज्य के राष्ट्रीय के रूप में जाना जाता है। इसलिए राष्ट्रीयता को व्यक्ति की परिस्थिति जो निष्ठा के बंधन द्वारा राज्य से संबद्ध है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार शब्द राष्ट्रीयता व्यक्तियों तथा राज्य के मध्य विधिक संबंध को व्यक्त करता है। ओपेनहाइम ने उचित ढंग से ही कहा है कि व्यक्ति की राष्ट्रीयता किसी राज्य के नागरिक होने का उसका गुण है। व्यक्तियों की राष्ट्रीयता का निर्धारण राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय या स्थायी अंतर्राज्यीय न्यायालय ने 1923 में घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयता का प्रश्न एकमात्र राज्य की आंतरिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऐसी विधियों को अन्य राज्यों द्वारा मान्यता दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। हेग संहिताकरण सम्मेलन जो 1930 में घटित हुआ था के द्वारा स्वीकार राष्ट्रीय विधियों के संदर्भ में संदर्भ से संबंधित कुछ प्रश्नों पर अभी समय का अनुच्छेद एक प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य अपनी विधि के अधीन यह निर्धारित कर सकता है कि कौन उसका राष्ट्रीय होगा। ऐसी विधि को अन्य राज्यों द्वारा केवल तब मान्यता दी जाएगी जब यह अंतर्राष्ट्रीय अधिशयनों अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों तथा राष्ट्रीयता के संबंध में सामान्यतः मान्य विधि के सिद्धांतों से संगत होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिसीमाओं के अंतर्गत राज्य यह निश्चित करने के लिए स्वतंत्र है कि किसे वह अपने राष्ट्रीय के रूप में चुने और किसे अपने राष्ट्रीय के रूप में नामंजूर करे। अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियत परिसीमाएं अन्य राज्यों के हित में निर्धारित की जाती हैं, न कि व्यक्तियों के हित के लिए। राष्ट्रीयता वह प्रमुख कड़ी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि की सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। राज्य अपने राष्ट्रीयों का अधिकारिकता का प्रयोग करता है तथा विदेश में यात्रा करने वाले या निवास करने वाले उसके राष्ट्रीय उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसी अधिकारिता के प्रयोग की अनुज्ञा देती है तथा उन सीमाओं का निर्धारण करती है जिनके अंतर्गत उसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या अंतर होता है, यह में क्या समानता देखने को मिलती है, आइए इस पर जानिए। यद्यपि राष्ट्रीयता तथा नागरिकता शब्द को कई अवसरों पर पर्यायवाची समझा जाता है, किंतु ऐसा नहीं, दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। राष्ट्रीयता राज्य से संबंधित होने का गुण है तथा उसी के द्वारा व्यक्ति विश्व में जाना जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीयता
अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विधिक संबंध का सृजन करती है। दूसरी तरफ नागरिकता व्यक्ति तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध को निर्दिष्ट करती है। नागरिकता की धारणा या नागरिकता की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय विधि के लिए असंगत होती है। नागरिक राज्य के सभी सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों को धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति पूर्ण नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करते हैं उन्हें नागरिक कहा जाता है, क्योंकि ये उन व्यक्तियों से भिन्न है जिनको कम अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सभी नागरिक एक राज्य की नागरिकता धारण करते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी राष्ट्रीय उस विशिष्ट राज्य के नागरिक हो। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीयता अधिनियम 1940 प्रावधान करता है कि नियमानुसार नागरिक संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पूर्ण राजनीतिक तथा व्यक्तिगत अधिकारों से संपन्न व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वे व्यक्ति जो संघ गठित करने वाले राज्यों में नहीं है किंतु उन राज्य क्षेत्र से संबंधित है जो उनके कब्जों में है राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। उनकी निष्ठा संयुक्त राष्ट्र के प्रति है तथा वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अभिप्राय में संयुक्त राज्य के राष्ट्रिक हैं, किंतु वे संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रिकों को मिलने वाले अधिकारों को प्राप्त नहीं करते। उसके बाद में फिर आता है राष्ट्रीयता के असल का ढंग। राष्ट्रीयता के असल का क्या ढंग होता है इसको जानिए। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार राज्य की राष्ट्रीयता को अर्जित कर सकता है। इसका आशय यह है कि राष्ट्रीय विधि यह निर्धारण करती है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट राज्य का राष्ट्रिक हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीयता के अर्जन का ढंग एक समान नहीं बल्कि भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित ऐसे ढंग हैं जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयता अर्जित की जा सकती है। पहला, जन्म द्वारा। इसे कैसे अर्जित किया जाता है? कई राज्यों द्वारा व्यक्ति को नागरिकता जन्म के आधार पर प्रदान की जाती है। जिन व्यक्तियों का जन्म राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत होता है वे उस राज्य की राष्ट्रीयता अर्जित कर लेते हैं। इस सिद्धांत को जस सोली कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है वंशक्रम। वंशक्रम द्वारा एक राज्य की राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति द्वारा माता पिता दोनों में से किसी भी राष्ट्रीयता के आधार पर भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार शिशु उस राज्य का राष्ट्रिक हो जाता है जिस राज्य के राष्ट्रिक उसके माता पिता हैं। इस सिद्धांत को जस सांगिन्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में फिर आता है देशीयकरण। व्यक्ति जन्म पर राष्ट्रीयता अर्जित करता है लेकिन बाद में उसकी राष्ट्रीयता में परिवर्तन हो सकता है। जब व्यक्ति को राष्ट्रीयता बाद में परिवर्तित जब व्यक्ति की राष्ट्रीयता बाद में परिवर्तित हो जाती है और वह किसी अन्य राज्य की राष्ट्रीयता अर्जित कर लेता है तब अर्जन की प्रक्रिया को देशीयकरण के रूप में जाना जाता है। कोई व्यक्ति विभिन्न तरीकों से देशीयकरण के माध्यम से राष्ट्रीयता को अर्जित कर सकता है। ये तरीके हैं विवाह, वैधीकरण, विकल्प, निवास के अर्जन, सरकारी पदाधिकारियों के रूप में नियुक्ति आदि के द्वारा देशीयकरण द्वारा नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण द्वारा जो व्यक्ति देशीयकरण द्वारा या किसी अन्य कारणों से अपनी राष्ट्रीयता खो देता है वह पुनः उसी राज्य की राष्ट्रीयता अर्जित कर सकता है। इस प्रकार के अर्जन को पुनः एकीकरण या पुनर्ग्रहण कहा जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 का परिच्छेद 2 एवियस को
न कि वयस्क को वयस्कता प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के अंतर्गत आवेदन पर उसकी राष्ट्रीयता के पुनर्ग्रहण की अनुज्ञा देता है। यदि वह अपने माता पिता के कारण भारतीय नागरिकता को खो देता है, वापसी की प्रक्रिया नागरिकता नियमावली 1956 के अधीन दी गई है। अधिनिकरण द्वारा, अब अधिनिकरण द्वारा कैसे दी जाती है जानिए। व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति राज्य द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद अधिनिकरण के माध्यम से राष्ट्र का अर्जित कर सकता है। जब राज्य के राज्य क्षेत्र का कोई भाग या स्वयं राज्य अन्य राज्य द्वारा अधीन कर लिया जाता है, तब राज्य क्षेत्र के सभी निवासी विजेता राज्य के राष्ट्रीय हो जाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी द्वारा अपने में मिलाया गया, तब ऑस्ट्रेलिया के सभी नागरिक जर्मनी के नागरिक हो गए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 प्रावधान करती है कि यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का भाग हो जाता है, तब उस राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। अध्यर्पण द्वारा, जब किसी राज्य के क्षेत्र का कोई भाग अन्य राज्य के अध्यर्पित कर दिया जाता है, तब सभी नागरिक समर्पित करने वाले राज्य की राष्ट्रीयता को अर्जित कर लेते हैं। विकल्प द्वारा, जब राज्य का विभाजन दो या अधिक राज्यों में हो जाता है, तब राज्य के नागरिकों को उत्तराधिकारी राज्य में किसी एक का नागरिक होने का विकल्प प्राप्त है। यही सिद्धांत राज्यों के अदला बदली के मामले में भी लागू होता है। ऐसे विकल्प द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से राज्य की नागरिकता अर्जित कर सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय विधि के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 5 के अधीन प्रावधान करता है कि निम्नलिखित संबंधित व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नागरिकता अर्थात राष्ट्रीयता को, सॉरी नेशनलिटी को किस प्रकार से हम अर्जित कर सकते हैं, और मैंने अपने विचार दिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।